अपना दल की अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से लड़ेंगी चुनाव। यहां ससुर का टिकट काट बहू को बनाया प्रत्याशी। 2019 में अनुप्रिया ने इन पर किया विश्वास, 2024 आते ही मौजूदा सांसद से अनुप्रिया को क्यों डगमगाया विश्वास। 2024 आते ही मौजूदा सांसद से अनुप्रिया का क्यों डगमगाया विश्वास। ससुर पर भारी पड़ गई बहू, मिर्जापुर में ससुर की जगह बहू को अनुप्रिया ने क्यों दिया टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की रॉबर्टगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपना दल सोनीलाल पटेल ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। अपना दल सोनीलाल चीफ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के अनुमोदन के बाद 96 से विधायक प्रत्याशी रिंकी कॉल को प्रत्याशी बनाया गया है। एनडीए में अपना दल शामिल है और मिर्जापुर और रॉबर्टगंज सीट मिली है। मिर्जापुर सीट से अपना दल चीफ अनुप्रिया पटेल खुद चुनाव लड़ रही है। अपना दल एस ने मिर्जापुर और रॉबर्टगंज दोनों सीट से महिला प्रत्याशी उतार दिया है। रिंकी कॉल रॉबर्टगंज के वर्तमान सांसद पकौड़ीलाल कॉल की बहू है। पार्टी ने पकौड़ी लाल का टिकट काट दिया है। रिंकी कॉल मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट से फिलहाल विधायक हैं। 96 से विधायक राहुल कॉल के निधन के बाद रिंकी पटेल को अनुप्रिया पटेल ने उपचुनाव में भी मौका दिया था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। राहुल कॉल रिंकी कॉल के पति थे। रॉबर्टगंज से उतरी रिंकी कॉल पति राहुल कॉल के निधन के बाद राजनीति में आई। पिछले साल राहुल कॉल की कैंसर से मौत हो गई थी। राहुल कॉल 2022 में लगातार दूसरी बार अपना दल एस से 96 विधानसभा सीट से विधायक बने थे। भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी राहुल प्रकाश कॉल सभी सियासी समीकरण ध्वस्त करते हुए 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ लगातार दूसरी बार जीते थे। इससे पहले 2017 के चुनाव में भी उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। राहुल ने बसपा के थनेश्वर गौतम को लगभग 57,000 मतों से पराजित किया था। तब उनकी गिनती उत्तर प्रदेश के सबसे युवा विधायकों में हुई थी। मिर्जापुर में युवा विधायक के रूप में राहुल कॉल अपनी एक जगह बना चुके थे। क्षेत्र के लोगों से निरंतर मुस्कुराते हुए मिलने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान करने का अथक प्रयास उनके द्वारा निरंतर किए जाते रहने की बात लोग कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें रिंकी कॉल के ससुर और रॉबर्टगंज से मौजूदा सांसद पकौड़ी लाल कॉल की, तो वो पुरानी समाजवादी हैं। पकौड़ी लाल सपा से 2009 में सांसद बने थे। 2014 में उन्होंने सपा से चुनाव लड़ा जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पकौड़ी कॉल पाला बदलकर अपना दल एस में चले गए। 2019 में एनडीए गठबंधन से फिर से मैदान में आए जहां उन्हें जीत मिली। जीत दर्ज करने के बाद पकौड़ी लाल कॉल का ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान वायरल हुआ। इसके बाद से उनका विरोध शुरू हो गया। विरोध को देखते हुए अपना दल एस ने पहले बयान से किनारा किया। अब माना जा रहा है कि उसी विरोध के कारण टिकट कटा है। पकौड़ी लाल कॉल का टिकट काटकर उनकी बहू रिंकी कॉल को टिकट देना अनुप्रिया पटेल की बड़ी मजबूरी भी थी। मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट कॉल बाहुल्य सीट है। यहां पर लगभग 70,000 मतदाता कॉल हैं। पकौड़ी कॉल का टिकट किसी और को देने पर खुद अनुप्रिया पटेल के लिए मुसीबत हो सकती थी। पकौड़ी कॉल का टिकट काटने पर भले रॉबर्टगंज में नुकसान ना होता, लेकिन मिर्जापुर में हो सकता था। ऐसे में रिंकी कॉल को उतार कर उस नुकसान को बचाया गया। आपको बता दें कि रॉबर्टगंज में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। इस सीट पर 7 मई यानी मंगलवार से नामांकन शुरू हुआ है और 14 मई तक नामांकन होगा। वहीं 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रत्याशी चाहें तो 17 मई तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। यूपी में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। अभी तक 3 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं और अन्य फेज के लिए 13 मई को चौथा, 20 मई को पांचवा और 25 मई को छठा और 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा।